गाइस वेलकम टू माय चेकऑल चैनल। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं मोडी ग्रीन टोन। लाइट रूम में इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। नेक्स्ट लाइट रूम, लाइट रूम ये रही। देखो पिक की क्वालिटी 50mm लेंस 1.8 से क्लिक की है। हाँ तो सब लोग इसकी प्रीसेट मांग रहे थे, बट इसकी लिंक पे अभी वर्क चल रहा है हमारा, तो इसको हम पहले इंस्टाग्राम की साइड में क्रॉप कर लेते हैं। इसको एडजस्ट कर लो ऑटो से। तो पहले हम बेसिक एडजस्टमेंट कर लेते लाइट की। हाईलाइट्स थोड़ा कम, पिक्चर्स और वाइट्स भी कम, और शेडो थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। थोड़ा ब्लैक्स, मेरे को डार्क चाहिए, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लग रहा है माइनस। और आ जाओ कलर ग्रेडिंग, मैं थोड़ा इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ एक दो। मेरे को कम लग रहा है तो मैं थोड़ा वाइब्रेचर बढ़ा देता हूँ। आ जाओ कलर में, कलर में स्किन थोड़ा ये रेड लग रहा है, येलो कर देता हूँ थोड़ा। सैचुरेशन माइनस, स्किन डल रही है तो प्लस करता हूँ। ल्यूमिनेंस ह्यू थोड़ा मैं प्लस में कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा येलो टोन चाहिए स्किन में। और थोड़ा स्क्रीन ब्राइट कर देता हूँ ल्यूमिनेंस बढ़ा के। अच्छा येलो में येलो प्लस करो थोड़ा, ह्यू माइनस रखो अपने हिसाब से 40। सैचुरेशन माइनस पूरा, क्योंकि मेरे को थोड़ा डार्क टोन चाहिए, मोडी डार्क। और थोड़ा प्लस कर दो ल्यूमिनेंस, और ग्रीन में आ जाओ, ग्रीन थोड़ा प्लस कर दो थोड़ा सा, और ल्यूमिनेंस माइनस सैचुरेशन माइनस कर दो। कलर हो गया, और थोड़ा मैं स्किन स्मूथ कर लेता हूँ पहले, थोड़ा पिंक कलर कर लेता हूँ। देखो मैंने पिंपल हटा लिया अच्छी तरह से हीलिंग टूल से। बचाओ सिलेक्टिव टूल में ब्रश प्रेस करो जिधर स्मूथ चाहिए आपको। और क्लियरिटी में आके क्लियरिटी माइनस कर दो, और टेक्सचर भी माइनस पूरा। स्किन तो लग रहा है, थोड़ा सा एक्सपोजर भी प्लस कर दो। देखो नॉर्मल बिफोर आफ्टर। अभी आ जाओ कर्व टूल में, पहले थीव पॉइंट्स बना लो, मिड टोन हाईलाइट और शेडो। मैं थोड़ा मिड टोन को ऑफ करता हूँ, हाईलाइट्स को भी तभी पॉइंट बना लेता हूँ। आप अपने पिक के हिसाब से बना लेना कर्व टूल में पॉइंट्स। शेडो माइनस कर दो से, थोड़ा डाउन कर दो इसको सही। आ जा क्लियरिटी सेक्शन में, क्लियरिटी माइनस डीएस माइनस कर दो पूरा 8% या 10%, जैसे कि डार्कनेस आ जाए और वीकनेस भी थोड़ा। अब आ जा सिलेक्टिव टूल में, और इसमें सिलेक्ट कर लो लीनियर ग्रेडियंट, और थोड़ा नीचे से डार्क करते हैं। क्लियरिटी बढ़ा दो थोड़ा, और देहेस जिसके नीचे से डार्क वाइप्स आए, और क्लियरिटी बढ़ा लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कर लेना पीक के अकॉर्डिंग। दूसरा सिलेक्शन बना लो, इसे बना लो, उसको इन्वर्ट कर दो
अभी आपकी क्लियरिटी प्लस कर दो थोड़ा। देखो अभी डार्क टोन आ गए, सिर्फ बैकग्राउंड में फेसते नहीं आ रहा है। डार्क टोन आए और अपने फेस पे आए फोकस। तो इसका कॉन्ट्रास्ट कम कर लेता हूँ मेन पॉइंट पे, कलर ग्रेडिंग पे। इसमें आ जाओ, सैचुरेशन पहले बढ़ा दो, ब्लू चाहिए मेरे को थोड़ा, इसलिए अच्छा लग रहा है। थोड़ा सैचुरेशन माइनस कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा लग रहा था। और हाइलाइट्स सिलेक्ट कर लो, थोड़ा सैचुरेशन माइनस, कलर ज़्यादा लग रहा है अभी। देखो अभी बिफोर आफ्टर, थोड़ा इधर हटे में थोड़ा कर लेता हूँ। जो अपने स्मूथ वाला ब्रश लगे उस पर आ जाओ, इधर भी थोड़ा स्मूथ कर लो। देखो अभी बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर बोल रहे थे कि लाइट रूम में प्रीसेट कैसे क्रिएट करें। डिस्प्ले आ जाओ साइड पे, और एक्सपोर्ट एज लास्ट में है ऑप्शन, उस पर क्लिक करो और जेपीजी से DNG कर दो। इसमें सेव होगी तो आपकी प्रीसेट बन जाएगी। मैं जेपीजी कर रहा हूँ, ये सेटिंग रखना, एडिटिंग क्वालिटी में आपकी पिक सेव होगी। देखो बिफोर एंड आफ्टर। हाँ तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको मेरे को कमेंट में बता देना, और बहुत सारा प्यार देना।